दोस्तों, आज के इस वीडियो से मैं आपके थिंकिंग पे थोड़े से पॉजिटिव इफेक्ट डालने की कोशिश करूंगी। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाएगी तो फिर पार करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा पानी बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो हमेशा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो मौज करूँ, घूमूं फिरूँ, जैसे नदी का पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, हमें इस नदी से ही अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इसी तरह जीवन ख़त्म हो जाएगा पर मनुष्य के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। जिंदगी भी एक कहानी ही तो है जिसे लिखने का कलम हमारे पास नहीं है। दोस्तों, ये कहानी आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देगी। एक गांव में एक मशहूर पेंटर रहता था। एक दिन उस पेंटर ने बहुत सुंदर तस्वीर बनाई और उसे गांव के चौराहे में लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी को जहां भी इसमें कमी नज़र आए वह वहां निशान लगा दे। जब उसने शाम को तस्वीर देखी तो उसकी पूरी तस्वीर निशानों से ख़राब हो चुकी थी। ये देख वो पेंटर बहुत दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो दुखी होकर बैठा रहा। तभी उसका एक दोस्त वहाँ से गुजरा और उसने उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उसने उसे पूरी घटना बताई। उसके दोस्त ने उसे कहा कि एक काम करो, कल एक दूसरी तस्वीर बनाना और उसमें लिखना कि जिस किसी को इस तस्वीर में जहाँ कहीं भी कमी नज़र आए वो वहाँ सही कर दे। उसने अगले दिन यही किया। शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। वह दुनिया की रीति समझ गया। लोग अक्सर दूसरों की कमी निकालते हैं, बुराई करते हैं। ये सब करना तो आसान है लेकिन उन कमियों को दूर करना बहुत मुश्किल है। जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तब आशा धीरे से कहती है, एक बार फिर कोशिश करो। हमें अपनी लाइफ में कोशिश करते रहनी चाहिए। द मॉरल ऑफ स्टोरी इज, लाइफ आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है और वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए लाइफ को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट नहीं।